हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पेंशन अपडेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, और ये एक बहुत ही बड़ी जीत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज यूनियन की और ऑफिसर्स एसोसिएशन की। 5 मार्च 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आरबीआई गवर्नर को लेटर लिख के इन्फॉर्म किया कि जो पेंशन अपडेशन से रिलेटेड जो इतना पुराना मुद्दा था उसे मंजूर कर लिया गया है, और किस हिसाब से पेंशन को अपडेट किया गया है उसका फिटमेंट फैक्टर भी लेटर में बताया गया है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा पेंशन अपडेशन की जो डिमांड है वो सिर्फ रिजर्व बैंक में ही नहीं है, नेशनलाइज बैंक्स में भी है, और वो काफी टाइम से पेंडिंग है। अब गवर्नमेंट ने आरबीआई की पेंशन अपडेशन को एक्सेप्ट किया है, तो उम्मीद है कि नेशनलाइज बैंक्स के अंदर भी पेंशन अपडेशन को जल्द ही मंजूर कर लिया जाएगा। ये आप सामने स्क्रीन पे लेटर देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट पेज है और ये इसका सेकंड पेज है। इसके अंदर पेंशन अपडेशन से रिलेटेड सारी बातें बताई गई है, जिसे मैंने आगे अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, ये लेटर अभी रिसेंट है, 5 मार्च 2019 का है, ये आप यहाँ डेट देख सकते हैं, क्योंकि आरबीआई गवर्नर को लिखा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अपडेशन किया गया है उसमें 10% की बढ़ोतरी दी गई है, यानी हर साल जो पिछले 3 वेज रिवीजन हुए हैं 2002, 2007, 2012, यानी 10th बाइपार्टाइट से पहले 9th और 8th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, जो भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुए हैं अभी तक, उसके अंदर जो डीए मर्ज किया गया है बेसिक में, प्लस उसके उसको मर्ज करने के बाद 10% की बढ़ोतरी दी गई है। फ्रेंड्स, बाइपार्टाइट सेटलमेंट क्या होता है कि जो सर्विंग एम्प्लॉइज हैं उनका तो पहले डीए मर्ज कर दिया जाता है, और उसके बाद जो बेसिक अराइव होती है उस पर कुछ इंक्रीमेंट दे दिया जाता है, और ऐसे हर सेटलमेंट में उनका उनकी सैलरी बढ़ती रहती है। लेकिन जो पेंशनर्स होते हैं, जब वो जिस बेसिक पेंशन पे रिटायर होते हैं उसके बाद जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है उसका बेनिफिट उन्हें नहीं दिया जाता है, वो उसी बेसिक बेसिक पेंशन को ड्रॉ करते हैं, और उस पे डीए डीएनएस अलाउंस कंटिन्यूअसली बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। लेकिन उनका जो बेसिक पेंशन है, जैसे अपने जो बेसिक पे होती है जो सैलरी की, वैसे उनकी बेसिक पेंशन होती है, उसे रिवाइज नहीं किया जाता है। तो उसे अपडेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, डीए मर्ज करने के बाद 10% की बढ़ोतरी दी गई है पुराने तीनों बाइपार्टाइट सेटलमेंट के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, कितनी पेंशन बढ़ेगी, ये सारी डिटेल मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, यानी कोई एरिया डिसबर्समेंट नहीं है। जो ये सर्कुलर आया है इसके बाद से ही पेंशन अपडेशन मानी जाएगी, और इसका बेनिफिट प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, यानी इसका कोई बैक डेट से इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, सर्कुलर डेट से इसका बेनिफिट दिया जाएगा। अब इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, तभी आप इस पेंशन अपडेशन को समझ पाएंगे। सबसे पहले ये बात कि जो पिछले 3 सेटलमेंट हुए हैं 8th बाइपार्टाइट, 9th बाइपार्टाइट और 10th बाइपार्टाइट में डीए मर्जर किस किस पॉइंट्स पे हुआ है। 10th बाइपार्टाइट के अंदर 4440 पॉइंट्स मर्ज हुए थे, 9th बाइपार्टाइट के अंदर 2836 पॉइंट्स मर्ज हुए थे बेसिक के अंदर, और 8th बाइपार्टाइट में 2288 पॉइंट्स बेसिक में मर्ज हुए थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये पॉइंट्स, ये जो डीए होता है ये बेसिक में मर्ज कर दिया जाता है जो सर्विंग एम्प्लॉइज होते हैं बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, लेकिन पेंशनर्स के ये बेनिफिट नहीं दिया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो पेंशनर्स होते हैं, जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज होते हैं, उनका डीएनएस अलाउंस काफी ज्यादा होता है, क्योंकि उनका डीए बढ़ता जाता है, वो मर्ज ही नहीं किया जाता। तो अब गवर्नमेंट ने पुराना तीनों बीपीएस का मर्ज करके और हर बीपीएस में 10% की बढ़ोतरी देके उनकी बेसिक पेंशन को ही रिवाइज कर दिया है। ये वो फिटमेंट फैक्टर है, अगर आप इसको ढंग से अभी नहीं रीड कर पा रहे हैं तो मैंने इसको अलग से टेबल में भी बता रखा है। ये वो टेबल है फ्रेंड्स, जहां एक तरफ है कैटेगरी ऑफ रिटायरीज, यानी जो भी जब जब रिटायर हुआ। फर्स्ट कैटेगरी है कि 1 नवंबर 2002 से पहले के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनका क्या फिटमेंट फैक्टर है, फिर 1 नवंबर 2002 से 31 अक्टूबर 2007 के बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं ये उनका फिटमेंट फैक्टर है, और 1 नवंबर 2007 से 31 अक्टूबर 2012 तक ये इनका फिटमेंट फैक्टर है। इसमें ये जो आप आगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर देख रहे हैं यही बेसिक पेंशन को रिवाइज करता है, यानी अगर मान लिया जाए कि एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन अगर 100 रुपए है
तो किस किस रिटायर्ड एम्प्लॉय की रिवाइज पेंशन क्या होगी वो इस मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से डिसाइड होगा। जैसे पहले केस में देखें कि जो 2 नवंबर 2002 से पहले के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं, अगर उनकी एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन 100 रुपीज है, तो एज ऑन डेट मतलब 1 नवंबर 2012 या उसके बाद से उनकी जो रिवाइज पेंशन होगी वो 363 होगी। ये मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है, अगर आप इससे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 363 आएगा। ये जो पुराने हैं अब इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो बेसिक मिलने वाली है वो लेटेस्ट जो डेट है उसके हिसाब से मिली जाएगी, कोई एरियर डिसबर्समेंट है नहीं, तो पुराना आपको फिटमेंट फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है। अभी लेटेस्ट जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो लास्ट वाले कॉलम का लगेगा। ऐसे ही जो लोग नवंबर 2002 और 31 अक्टूबर 2007 के बीच में रिटायर हुए हैं, उनका जो फिटमेंट फैक्टर है वो है 2.44। यानी अगर एग्जिस्टिंग पेंशन बेसिक पेंशन 100 है तो 2.44 से मल्टीप्लाई करके रिवाइज पेंशन हो गई 244। और सिमिलरली जो थर्ड कैटेगरी है नवंबर 2007 से अक्टूबर 2012 के बीच में रिटायर होने वाले एम्प्लॉयज की, उनका फिटमेंट फैक्टर है 1.76। यानी उनकी जो रिवाइज पेंशन है वो 176 रुपीज है, अगर एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन 100 रुपीज है। फ्रेंड्स ये सब एक कैलकुलेशन का एक बेस बनाया गया है, 100 और फिटमेंट फैक्टर, इसको मैंने आगे परसेंटेज के टर्म्स में कन्वर्ट कर रखा है ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग बेसिक है आप उसमें सीधे वो परसेंटेज का बेनिफिट लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका टोटल बेनिफिट कितना होगा। अब आगे देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन कि एक्चुअल बेनिफिट कितना मिलेगा। सबसे पहले एक और कैटेगरी में आपको बता दूं कि जो लोग उनका क्या जो 1 नवंबर 2012 के बाद रिटायर हुए हैं, तो फ्रेंड्स उनका अभी पेंशन अपडेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके बाद अभी तक कोई बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन नहीं हुआ है, यानी सैलरी रिवाइज नहीं हुई है, तो पेंशन भी अपडेट नहीं होगी। 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट अभी भी पेंडिंग है। और जो लोग 1 नवंबर 2012 के बाद रिटायर हुए हैं उनका डीएनएस अलाउंस वही है 61.1% एज ऑन फेब्रुवरी 2019, जो कि सर्विंग एम्प्लॉयज का है, यानी जो लोग अभी बैंक में काम कर रहे हैं उनका सेम है। तो सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं, जो लोग नवंबर 2007 से अक्टूबर 2012 के बीच में रिटायर हुए हैं। अब फ्रेंड्स आपको पता होगा इस पीरियड के बीच में जो लोग रिटायर हुए हैं उसके बाद एक बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हुआ है, जो कि है 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट। और 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के अंदर जैसे मैंने अभी आपको बताया 4,440 पॉइंट्स डीए के बेसिक में मर्ज कर दिए गए थे, यानी 60.15% डीए मर्ज किया गया था। तो उसी बेसिस पे जो फिटमेंट फैक्टर है वो बना है 1.76। अब 1.76 फिटमेंट फैक्टर से जो पेंशन रिवाइज होगी वो आपके सामने है कि ये कैलकुलेशन यहां मैंने नीचे बता रखी है कि मान लीजिए अगर आपकी एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन है 100 रुपीज और जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं उनका अभी जो एट प्रेजेंट डियरनेस अलाउंस है वो है 151.80%। तो अभी जो उनकी पेंशन बनती है वो बेसिक पेंशन प्लस इसके ऊपर 151.80%, यानी टोटल 251.80 रुपीज की इनकी पेंशन बनती है। ये एक अजम्पशन है, बेसिक पेंशन 100 है इसको एक बेस माना गया है। आपकी जो एक्चुअल बेसिक है वो आप यहाँ लगा सकते हैं, उसके ऊपर डीए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आपको आपकी एक्चुअल पेंशन मिल जाएगी। ये है अपडेशन से पहले। अब बात करते हैं अपडेशन के बाद। फ्रेंड्स इनका फिटमेंट फैक्टर है 1.76, यानी जो एग्जिस्टिंग बेसिक पेंशन है आप उसको 1.76 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको अपनी नई बेसिक पेंशन पता लग जाएगी। और फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद में अभी तक का जो भी डीए मर्ज किया गया है वो सारा बेनिफिट इसमें काउंट कर लिया गया है, जो पिछले तीनों बाइपार्टाइट सेटलमेंट में डीए मर्ज किए गए हैं। तो आपका जो रिमेनिंग जो डीएनएस अलाउंस है वो वही है जो भी बैंक एम्प्लॉयज का होगा 61.1%। यानी आपकी रिवाइज बेसिक पेंशन है 176 और उसके ऊपर 61.1% डीएनएस अलाउंस है, तो इन दोनों का टोटल है 283.54। यानी अगर पहले जो बेसिक पेंशन 251.80 बन रही थी अब वो 283.54 बन रही है, जिसका मतलब है पूरा का पूरा 12.60% का बेनिफिट। यानी जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज नवंबर 2007 से अक्टूबर 2012 के बीच में रिटायर हुए हैं उनकी जो पेंशन है वो अपडेट होने के बाद 12.6% बढ़ गई है। अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी की, जो लोग नवंबर 2002 से अक्टूबर 2007 के बीच में रिटायर हुए हैं। फ्रेंड्स आपको पता होगा
जो लोग इस पीरियड में रिटायर हुए हैं उसके बाद में दो बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हो चुके हैं, 9th बाइपार्टाइट और 10th बाइपार्टाइट। अब इसमें मतलब एक तरह से दो बार डीए मर्ज किया गया है दोनों बाइपार्टाइट सेटलमेंट में, इसलिए यहाँ पे दो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स बने हुए हैं, फिटमेंट फैक्टर्स बने हुए हैं। लेकिन चूंकि अपन अभी लेटेस्ट सैलरी लेटेस्ट पेंशन की बात कर रहे हैं, तो अपन जो लेटेस्ट है नवंबर 2012 के बाद वाला वही देखेंगे, तो इनका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 2.44। अब सेम वही कैलकुलेशन यहां लगाएं कि अगर इनकी बेसिक पेंशन मान ले 100 रुपीज है, और इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं रिटायर्ड एम्प्लॉयज आते हैं उनका जो अभी डियरनेस अलाउंस है वो लेटेस्ट है 206.82% जो अभी का डीए है, तो बेसिक पेंशन 100 रुपीज के ऊपर 206.82% डीए कैलकुलेट करके तो जो नया जो पेंशन बनी वो है 306.82 रुपीज। अब अपडेशन के बाद में पहले आप अपनी बेसिक पेंशन को 2.44 से मल्टीप्लाई करके नई बेसिक पेंशन बना लीजिए 244 रुपीज, उसके ऊपर डीए वही जो अभी एट प्रेजेंट बैंकर्स को दिया जाता है 61.1%, तो ले दे के नई पेंशन आपकी हो गई 393.08। जो पेंशन पहले 306.82 थी वो बन गई 393.08, यानी पूरा 28.1% का बेनिफिट। अब फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि उन लोगों को तो 12.60% का अपडेशन मिला है और इनको 28.12 यानी डबल से भी ज्यादा, तो फ्रेंड्स ये इसलिए जरूरी था क्योंकि जो लोग जितना पहले रिटायर हुए हैं उनकी बेसिक पेंशन उतनी ही कम है, उनकी बेसिक पेंशन बहुत कम है और उनका डियरनेस अलाउंस काफी ज्यादा है, तो इसलिए उनका फिटमेंट फैक्टर ज्यादा बड़ा निकला है क्योंकि उनमें दो बार डीए मर्ज किया गया है और इसलिए बेनिफिट भी ज्यादा है परसेंटेज के टर्म्स में। लेकिन एक तरह से नॉर्मली सबकी एक तरह से पेंशन ये बराबर ही करता है। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की कि जो लोग नवंबर 97 और अक्टूबर 2002 के बीच में रिटायर हुए हैं, तो उनके बाद में तीन बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन हो चुका है, 8th बीपीएस, 9th बीपीएस और 10th बीपीएस, यानी तीन बार डीए मर्जर का इफेक्ट है प्लस तीनों बार ही 10-10% का पेंशन अपडेशन है। तो इसके हिसाब से सेम वही कैलकुलेशन करी जाए तो जो बेसिक जो इनकी पेंशन अभी 412 412 रुपए बनती थी अपडेशन से पहले, वो अपडेशन के बाद में 584.79 रुपीज हो गई, यानी पूरा 41.94% का इंक्रीमेंट मिला है, लगभग 42% का इंक्रीमेंट मिला है। तो अब जो भी रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं वो अपनी जो उनको भी पेंशन मिल रही है वो उसको अगर इस परसेंटेज से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उनका जो टोटल बेनिफिट है वो उन्हें पता लग जाएगा कि हमारी पेंशन कितनी बड़ी। इस ये वाला है लगभग 42%, इससे पहले वाला था 28.12% और सबसे पहले वाला था 12.60%। तो फ्रेंड्स ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो नेशनलाइज बैंक्स है उनकी भी पेंशन अपडेशन ये बहुत पुरानी डिमांड है जो कि जिसकी उम्मीद है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का करा गया है तो हो सकता है नेशनलाइज बैंक का भी किया जाए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब भी नेशनलाइज बैंक इंप्लॉयज की पेंशन अपडेट करेगी गवर्नमेंट तो फिटमेंट फैक्टर यही रहना है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लॉइज को दिया गया है फिटमेंट फैक्टर, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया है जिस परसेंट से उनका पेंशन अपडेट किया गया है, वही फॉर्मूला नेशनलाइज बैंक्स पे रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी जानकारी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो लाइक करें ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो पसंद आया, और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दैनिक पोर्टल को, इससे मुझे एक तरह का मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज फ्रेंड्स हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।